सो ये छोटी छोटी टिप्स है किचन में काम करने की। जब आप हाथ से गूंथते हैं तो आपकी उंगलियों की भी एक्सरसाइज होती है। बड़ी बड़ी परौंठियाँ हैं, ये खा लेंगे ना शाम तक भूख नहीं लगनी। फिर उसके को आपने उठाया लाइक अ सॉफ्ट बॉल। आपका समझ में नहीं आ रहा सुबह से, लेकिन अभी तक सोच ही रही हूँ व्हाट टू कुक। सैटरडे संडे में दो मील्स होते हैं, आराम से उठते हैं। मैं भी बड़ी लेथार्जिक हो जाती हूँ सैटरडे 9 बजे, तो मैं उठी हूँ तो इसलिए बस अभी 12:30 तक हम लोग समझो नाश्ता खाएंगे। तो वो नाश्ता नहीं हो गया, ब्रंच ही हो गया। और उसके बाद उल्टा चिकन ऑर्डर करूँ तो रात को बटर चिकन बनेगा। अर्ली डिनर होगा 7:30 के करीब, तो बस दो मील्स हो गए। बाकी बीच में किसी को भूख लगती है तो थोड़ा फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। मैंगोज़ भी आने शुरू हो गए अब तो, जब नया नया आता है ना तो खाने का ज़्यादा शौक होता है। आज सोच रही हूँ दाल के पराठे बनाऊँ स्टफ़ करके अंदर, तो स्टफ़ दाल के पराठे विद दही। मैं तो दही के साथ खाऊँगी, पापड़, दही सिंधी पापड़। डॉक्टर तो कॉफ़ी ज़रूर लेती है, उसका तो दिन कॉफ़ी के बगैर शुरू नहीं होता, तो वो लेगी कॉफ़ी के साथ में परौठी और चीज़ स्प्रेड लेती है वो साथ में। तो चलो आज दाल के परौठे ही बनाते हैं। स्टफ़ दाल का पराठा जो होता है उसमें दाल की कंसिस्टेंसी परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर दाल आपकी ज़्यादा गल गई या कच्ची रह गई, दोनों सिचुएशंस में आपका जो पराठा है यह अच्छा नहीं बनेगा। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा ही निकाल रही हूँ मैं। इवन आप दाल की कचौड़ियाँ भी बना सकते हैं इसी स्टफ से। तो इसको पानी से धो लेते हैं और भिगो के रख देते हैं। भिगोने वाला स्टेप आप अवॉइड भी कर सकते हैं, सीधे 3-4 बार पानी से निकाल के भी आप दाल को बॉईल करने रख सकते हैं। लेकिन भिगोने का सिर्फ एक पर्पज़ होता है, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं, केमिकल्स, व्हाटएवर, आजकल कुछ नहीं पता होता आपकी चीज़ों में क्या क्या ऊपर से लग के आ रहा है, वो सब कुछ काफ़ी हद तक जो है वॉश ऑफ हो जाता है। दिस इज़ द पर्पस। तो इसको मैं भिगो के रख रही हूँ। तो आधा घंटा हो गया, अब इसको ड्रेन करके और फाइनल पानी के साथ इसको मैं बॉईल करने रखूँगी। 1/4 कप दाल होगी, पानी डालो उतना जिसमें ये तैरती रहे, हमको ये पूरा सूखा हुआ पानी नहीं चाहिए ना। तो 1 कप के करीब पानी डाल दिया, 1 से 1.25 कप। गैस ऑन कर देते, कुछ और नहीं डालना सिवाय हल्दी के, थोड़ी सी हल्दी डलेगी बस और ये बॉईल होगा। इसको 1 मिनट के लिए भी आप मॉनिटर करना छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ये दाल कब गलती है वो दाल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो आप इसको बीच बीच में चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, ये एक बॉईल आते ही इसको हमें लो फ्लेम पे करना है, लो या मीडियम, और तब तक हम गूंदेंगे आटा। अच्छा, आटे के लिए भी एक टिप दे रही हूँ। आटा जो होता है रोटी जैसा आटा गूंदिएगा, सॉफ्ट आटा, पूड़ी जैसा आटा नहीं गूंदिएगा। पूड़ी का आटा थोड़ा हार्ड होता है, और क्योंकि ये स्टफिंग जो होती है ये सॉफ्ट होती है, तो अगर आप हार्ड आटा गूंदेंगे और आप ज़ोर से ऊपर से बेलन चलाएंगे तो आपकी स्टफिंग जो है वो सारी बाहर आ जाएगी। एंड दूसरी चीज़, आटे में फ्रिज का रखा हुआ आटा स्ट्रेट निकाल के कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। अगर फ्रिज का आटा, मैं तो वैसे सजेस्ट नहीं करूँगी फ्रिज का आटा, लेकिन अगर फिर भी आपको उस फ्रिज का आटा यूज़ करना है रखा हुआ ठंडा, तो उसको पहले आप बाहर निकाल के आधा घंटा पहले रख दीजिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप फ्रिज से आटा निकालते हैं वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो उस सिचुएशन में उसको थोड़ा सूखा आटा लगा के मल लीजिएगा। सो ये छोटी छोटी टिप्स है किचन में काम करने की। फिर हम लोग जब सोचते हैं ना कि हमारा पराठा परफेक्ट क्यों नहीं बना, वो यही कारण होते हैं, नमक, हल्दी और चीनी। ये चीज़ें कोई मसाले के लिए नहीं है, नॉर्मल आटा ही गूंद रही हूँ, लेकिन ये क्यों डाले जाते हैं, इनको शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। आटा गूंदने में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती, लोग जो उसको खूब रगड़ रगड़ के करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने व्लॉग्स में, अलग से भी वीडियोस बनाई हैं गूंदने के लिए। हम उसमें भी गूंद सकते हैं जो हमारा
ये फूड प्रोसेसर का अटैचमेंट होता है, मैंने उसमें भी दिखाया है। मैंने अलग से जो मेरा ब्रेड और आटा मेकर है उसमें भी बताया है। मतलब क्या होता है, इतना थोड़ा सा मुझे तो अच्छा लगता है हाथ से गूंदना, फ्रैंकली स्पीकिंग। कारण उसका क्या होता है, जब आप हाथ से गूंदते हैं तो आपकी उंगलियों की भी एक्सरसाइज होती है। अब देखो ये उबाले पे आ गया, इसको मैं कर दिया मीडियम फ्लेम। अब मीडियम फ्लेम पे ये चलेगा आराम से, और ये जो है इसके ऊपर ये झाग भी आ गई है। हम चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्योरिटीज़ हमने निकाल ही दिए हैं उसको, बहुत देर तक भिगो के और पानी से निकाल के। सो, इसको बेसिकली ये चम्मच उठाया है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है। ये जैसी दाल स्प्लिट होगी ना, मतलब ये अभी खड़ी खड़ी दाल है ना, जैसे ये फूटेगी वैसे ही हमको गैस को करना है बंद, तो इसलिए इसको चेक करना होगा। इसको ऑलमोस्ट लगेंगे 5 मिनट। उसके ऊपर लगाएंगे देसी घी, बहुत ज़्यादा मैं उसको अभी वो नहीं करती, जैसे लोग मल मल के करते हैं ना, कुछ भी नहीं करना। बस ये मेरा आटा, देखो इसका टेस्ट बताओ। आपने अपनी ये मुट्ठी में भरा इसको, और जब आप 100 नॉर्मल आप प्रेशर के साथ कर रहे हैं तो ये बड़े आराम से ये आपकी उंगलियों में से निकल रहा है। फिर से करके दिखाऊं, देखो इसको आपने उठाया लाइक अ सॉफ्ट बॉल, आपका बड़े आराम से ये, आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा। और अगर आपका इसको आपको ज़ोर से प्रेशर लगा के इसको करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आटा आपके पराठे के लिए ठीक नहीं है, स्टफ पराठे के लिए ठीक नहीं है। तो इसको ढक के रखते हैं, अपने आप ये हो जाएगा, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारी दाल तैयार होगी तब तक आपका वो आटा सेटल हो जाएगा। अब ये स्प्लिट होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी और कसर है, मतलब हल्की सी स्प्लिट हुई है, थोड़ी अच्छे से स्प्लिट होएगी तब इसको बंद करेंगे। देखो ये झाग बननी शुरू हो गई ना, इसका मतलब ये हो गई बिल्कुल, देखो परफेक्ट गल गई। फटाफट से इसको मुझे निकालना है छलनी में। इस टाइम पे काम बड़ी स्विफ्टली करना होता है, वरना ये एक्स्ट्रा गल गई तो आपको फिर और कलाकारी करनी पड़ेगी। लो जी ये देखिए, देख रहे हैं, और अभी इसमें काफ़ी हीट है ना, तो ये इसी की हीट में ये और पकेगी परफेक्ट। इसको सेटल होने में करीब 5 से 10 मिनट लगे, इसकी हीट जो है वो ख़त्म हो गई, जो पहले बिल्कुल बबलिंग हॉट था, और इसने जो इसके अंदर बाकी का पानी था ना वो भी एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, एक गलती आप कभी मत कीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ज़्यादा हीट हो गया उस ज़्यादा बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद उसको ठंडे पानी से निकालेंगे। ठंडे पानी से अगर आप इसको निकालेंगे तो इसमें पानी रह जाएगा, वो फिर निकलेगा नहीं। हमेशा जब भी आप ड्रेन करते हैं थोड़ा सा पानी चिपका रहता है, और दाल पे जो पानी चिपक के रह जाएगा ना, फिर वो आपकी दाल पूरी वाटरी होगी और आप उसको आटा में स्टफ नहीं कर सकेंगे। सो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अभी अगर आप देखें बिल्कुल परफेक्ट दाल गली भी है, ये देखो, ये ऐसे उंगली से करने से ये ऐसे पिचक भी रही है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा खड़ापन भी है, यही हमको चाहिए। बिल्कुल ऐसे भुरता वाली दाल नहीं चाहिए। अब इसके अंदर और क्या क्या जाएगा ये देखें, ये गया मेरा धनिया पत्ता, राइट, और ये मेरी एक हरी मिर्ची काट के रखी थी ये, और ये प्याज छोटा छोटा काटा है, ये एक प्याज है छोटा वाला, बहुत छोटा प्याज। ये जो है ये हर कोई नहीं डालता, कई लोग इसको डालते हैं और कई नहीं डालते। डालने और ना डालने का दोनों के मैं प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगी। देखो अगर आप चाहते हो अपने पराठे में वो क्रंच है ना, कि जब आप खाएं तो उसमें सॉफ्टनेस भी हो और साथ में एक क्रंची मस्त सा फ्लेवर आए, तो आप इसमें प्याज ऐड कीजिए। अगर आपको उसकी जो स्टफिंग है वो सॉफ्ट चाहिए, सिल्की स्मूथ, आपके मुंह में जाके वो पराठा घुल जाए जैसे आलू का पराठा होता है, तो आप इसमें प्याज मत डालिए। सो दिस इज़ येट अनदर टिप। अब मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है, और अभी इसमें कुछ भी नमक वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक के साथ में मिलते ही हमारा प्याज जो है
वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा जो हमको नहीं चाहिए। सो अभी के लिए मैं इसको रखती हूँ जब तक हम परौंठियाँ बनाएं। दही दिखाऊँ कैसी चक्का जमती है मेरी दही, ये देखो एकदम चक्का दही है बिल्कुल। बाज़ार के हलवाई की भी क्या दही होती होगी जो हम घर में दही जमाते हैं। पापड़ बड़ा अच्छा लगता है, ये लहसुनी पापड़ लेके आई है। उस दिन कोई फेयर लगा था वहाँ पे, राजस्थान के हैं ये लहसुनी पापड़, तो ये लेके आई। ठीक है, थोड़ा खाने में ना खांसी उठती है, पता नहीं इनमें ऐसा क्या उन्होंने डाला है, लहसुन की वजह से खांसी उठती है या वो जो तीखे मसाले हैं लाल मिर्ची वगैरह। अभी बना भी रही हूँ ना तो भी एकदम खांसी का भपका आता है, पर टेस्ट अच्छा है। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या इन्होंने डाल के रखा है। दो तीन पापड़ बना के रख देती हूँ, बच भी जाते हैं ना तो डब्बे में भरे पड़े रहते हैं, फिर आते जाते ना थोड़ी सी चुंगी मार ली। हम लोगों में सिंधियों में ना पापड़ का बड़ा शौक होता है। क्या होता है ना, लाइक मम्मी भी ऐसे ही करती थी, डब्बा भर के रख देती थी, फिर हम आते जाते जैसे पानी पीना है तो थोड़ा सा पापड़ खा के पानी पीना है, से आपने कुछ खाया हुआ ऐसा घी वाला तो उसको गले में आपके घी जो है जम ना जाए, उसलिए पहले पापड़ खा के घी को करेंगे नीचे गले से, उसके बाद ऊपर से पानी पियेंगे तो आपके गले में जमेगा नहीं। ये बड़ों का नुस्खा है। ठंडा करने पे बंद करूँगी, गर्म में बंद करूँगी ना तो सिल जाएंगे सारे। मम्मी तो पापड़ घर में बनाया करती थी, अब हमसे इतना कष्ट नहीं होता भाई। अब क्या, मेरे को तो आता ही नहीं घर में पापड़ बनाना, मैं नहीं बना सकती। मम्मी वो आटा एक मुझे याद है लेके आती थी, बना बनाया मिक्स आटा होता था, उसको गूंथती थी, पता नहीं क्या क्या मसाले डाल के, फिर उसके बाद पूरी मम्मी की सारी फ्रेंड्स की पलटन आती थी घर के अंदर, वो सारे मिल के पापड़ बेलते थे, फिर पता नहीं कितने दिन तक वो पापड़ जो थे वो सूखते रहते थे धूप में, चादर में बिछा बिछा के, उठा पटक उल्टा पलटी, और उसके बाद कहीं जाके पापड़ तैयार होते थे। फिर जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया होता था उनके घर भी एक एक पैकेट जाता था पापड़ का, तो यूज़ टू बी अ बिग एक्सरसाइज। हमें लगता है जो चीज़ें हमको मिल जाती हैं उनमें कोई एफर्ट नहीं लगता, ठीक है इसके पैसे हम देते हैं तो हमको उस एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वी आर पेइंग फॉर दैट, बट घर में जो बनती थी हमें तो उसकी भी वैल्यू नहीं होती थी ना, कैसे हम लोग खाते थे और वेस्ट करते थे। अब समझ में आती है ना जो मेहनत होती है उसमें कितना एफर्ट लगता है। जब हम खुद किचन में काम करना शुरू करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि हर काम करने में कितना एफर्ट लगता है, तो कोई चीज़ जब वेस्ट होती है ना तो बड़ा दुख होता है। सबसे पहला टिप परौठे बनाने के लिए, तवा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडे तवे में डालेंगे तो चिपक जाएगा सारा कुछ। सो ये देख रहे हैं कितना पानी नीचे ड्रेन हुआ था और बाकी उसने सोख कर लिया था। अब इसमें थोड़े से डालेंगे मसाले क्योंकि अब हमें इंस्टेंटली बनाना है ना, तो अब हम इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं। ये गया सॉल्ट और ये गया लाल मिर्ची, जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। और थोड़ा सा डालूंगी अमचूर पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी भुना जीरा, ये गया भुना जीरा, आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं और कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं बस इतना ही डाल रही हूँ। सो लेट्स गिव इट अ मिक्स। देखो बिल्कुल खड़ा खड़ा मसाला है ना, एकदम मस्त। पता है इसके आप पूड़ियाँ भी बना सकते हो, इसको स्टफ करके पूड़ी बनाओ और उसको जैसे दाल की कचौड़ी का नाम दे दो, खिला दो सबको दाल की कचौड़ी करके, खा लेंगे सब लोग। चलो अब है गूंधने का टाइम, मस्त हमारा आटा तैयार हो गया। ये देखो अब कोई एफर्ट करना पड़ा, मैंने ना तो मैंने पहले कोई जम के ऐसे हाथ लगा के ज़ोर ज़ोर से आटा गूंदा था। देखो जैसे ही आपने देसी घी लगा के उसको रेस्ट कराया ना, देखो कितना सॉफ्ट हो गया आटा, एकदम मस्त मक्खन जैसा जैसा हमको चाहिए, राइट। अब हम इसको बेलेंगे
और पराठे किस में बनेंगे? देसी घी में बनेंगे। तवा मेरा गर्म हो गया बिल्कुल, सिम पे कर दिया अब मैंने, और पराठे बनेंगे देसी घी में। अगर आटे की कंसिस्टेंसी ठीक होगी, अगर स्टफिंग की कंसिस्टेंसी ठीक होगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पराठा बनाने में। अच्छा, अब यहाँ पे एक टिप दे रही हूँ। सपोजिंग इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका ये जो मसाला है ये से हो गया, गिलगिला हो गया, थोड़ा सा उसमें वाटर आ गया, या कुछ भी गीला है, आपका स्टफिंग नहीं हो रहा, फैल रहा है, तो क्या करना है, यही जो सूखा आटा आप यूज़ करते हो ना, थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल कर दो, तो वो उसका जो पानी है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आप इसको यूज़ कर पाओगे। ये थी आज की एक और किचन टिप। अब बनाते हैं मस्त बड़े बड़े परांठे जैसे स्ट्रीट पे मिलते हैं। चानी उठाई, सूखे आटे में लपेटी, इसको आधा बेला, आधा बेल के इसमें लगाया थोड़ा सा अंदर देसी घी, अंदर थोड़ा सा देसी घी डालते हैं ना, इसको मोयन कहते हैं, सिंधी में मोयन कहते हैं, तो बड़ा अच्छा इससे उसका जो अंदर जो टेक्सचर है ना आपकी परौंठी का, बड़ा मस्त आता है। ये देखो काफ़ी सारी दाल मैं डाल रही हूँ, आपको खूब सारी दाल चाहिए ना। अब इसको चारों तरफ से ऊपर करेंगे। कई लोग ऐसे पूंछ बना के फिर ऊपर से हटाते हैं, मैं कुछ नहीं हटाती, ये सब कुछ इसके अंदर गया कुछ इस तरह से। और फिर से एक बार अच्छे से सूखे आटे में लपेट लो और हल्के हाथ से, जोर नहीं डालना है, और जोर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका आटा फ्रेश गूंदा हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी से गूंदा हुआ है, जितने की आपको ज़रूरत थी। तो आपका मजाल है, आपका जो उसमें से स्टफिंग है वो आपका बाहर आ जाए, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लीजिए दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये अगला और ये पिछला, दोनों साइड परफेक्ट है। चलो अब इसको डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा घी, हल्का सा घी, ज़्यादा नहीं डालना अभी, और ये हमारा पहला पराठा बनना शुरू हो गया। आँच मीडियम है अभी, और साथ साथ में जब तक एक बनता है, स्मार्ट किचन वर्क क्या होता है, जब तक आपका एक बन रहा है तब तक आपका दूसरा पराठा बेल जाना चाहिए। ये होती हैं किचन की स्मार्ट ट्रिक्स। छोटे बच्चे ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे, जो लोग अभी नए नए किचन में आए हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, आपका हाथ बैठ जाएगा और मस्त आप लोग हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट होके निकलोगे। एक्सपर्ट क्या, कोई भी हम भी कोई अभी तक भी एक्सपर्ट थोड़ी हैं, गलतियाँ करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, फिर आगे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वाह कितना मस्त, देखो परफेक्ट। और जब तक ये एक बनेगा तब तक हमारा दूसरा बेल के तैयार। हल्का हल्का सिक गया, ये देखो रोटी की तरह सिक गया ना, थोड़ा थोड़ा सा। अब इसमें घी, पराठे का मजा लेना है तो घी में कंजूसी मत करना, ठीक है, तभी मैं इसको संडे के दिन, ऐसी चीज़ों को संडे के दिन, क्या डॉटर को तो देती हूँ रोज़ पराठे बना के, अलग अलग बना, कभी अंडे का पराठा, कभी मेथी का पराठा, कभी प्याज का पराठा, कभी पालक का पराठा, कभी बची हुई दाल होती है तो उसका गूंद के पराठा, सब देती हूँ उसको, पर मैं नहीं खाती हूँ रूटीन में, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं जो उसके लिए लंच बना के देती हूँ वो मैं ब्रंच करके खाती हूँ, मेरे दो मील्स ही होते हैं रोज़, क्योंकि मैं तो घर पे रहती हूँ ना, और बच्चा जो घर से बाहर जा रहा है उसको तो फिर देर सवेर, और वो और कुछ बीच में नहीं खाते, हम तो घर में बैठे हैं चटर मटर करते रहते हैं, तो इसलिए मैं दो मील्स लेती हूँ, रेस्ट्रिक्ट करती हूँ अपने आप को। तो आटा देखो मस्त एकदम चार परौंठी का ही आटा गूंदा, सही बड़ी बड़ी परौंठियाँ हैं ये, खा लेंगे ना दो दो परौंठियाँ, अभी दोनों जने खा लेंगे हम लोग, शाम तक भूख नहीं लगनी, फिर उसके बाद रात का प्रोग्राम है बटर चिकन का। बटर चिकन भी मैंने आप लोग शेयर, मैंने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन वही होता है वीडियो पुरानी हो जाती है तो आप लोग फिर देखते क्या हो, देखते क्या हो, आपको सर्फिंग में मिलेगा ही नहीं। ये देखो है ना करारी एकदम, बहुत मज़ेदार बनती है। चलो दूसरी डाल देते हैं,
और इस करारी को और मक्खनदार बनाते, इसके ऊपर लगाते मक्खन। ये लगा मक्खन और इसको कर दिया डबल फोल्ड। देखो तो देख रहे हो, ये अंदर की लेयर्स आपको दिख रही है, इतनी करारी बनी है ना, मतलब करारी भी और सॉफ्ट भी, कि मज़ा आ जाएगा खाकर। तो चलो चारों बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये लो काजल, मक्खन वैसे उसके अंदर डाल दिया, अगर और डालना है तो देख, मैं तो दही के साथ खा रही हूँ। ये तुम्हारा 1 एंड ये तुम्हारा 2, पकड़ो। ये हो गया दही, ये तुम्हारा चीज़ स्प्रेड काजल, और बटर अगर और चाहिए तो, मेरे ख्याल से तो काफ़ी, पापड़ घेरा, अगर पापड़ चाहिए तो। चाहिए पापड़? हाँ हाँ, सो आज का ब्रंच तैयार है। फर्स्ट क्लास दाल की परौंठी, साथ में दही, साथ में पापड़, और बेटी खाती है साथ में चीज स्प्रेड और कॉफी, वो दही। फिर मिलती हूँ, बाय।